आई एम एम दिस शेडी इन कम्प्लीट डार्कनेस लाइक दिस शेरी अनपेव रोड और साइड में उससे भी ज़्यादा शेडी एक ऐसा टपरी है जिसमें पाँच लोग स्मोक वगैरह कर रहे हैं और मतलब सिचुएशन ऐसा था कि इवन इफ इट वॉज ओनली समटाइम आफ्टर एट ऐसा लग रहा था कि कुछ भी हो सकता है ठीक है तो आ, ये कहानी तबकी है जब आ, हम लोग बैंगलोर में थे इंटर्नशिप के लिए um, और बैंगलोर के बारे में जाने से पहले मैंने एक चीज़ सुनी थी और जाने के बाद एक चीज़ फाइंड आउट की सुनी हुई चीज़ जो थी कि बैंगलोर में गूगल मैप ठीक से नहीं चलता है बट इन माय माइंड इट डिड नॉट मेक सेंस क्योंकि सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बोलते हैं गूगल मैप जैसी चीज़ तो चलनी चाहिए बट ऐसा नहीं हुआ दूसरी चीज़ जो जिसके बारे में मैंने फाइंड आउट किया दैट इज़ पब्लिक पार्कस तो मैं तो महाराष्ट्रीय भाई मेरे लोकेलिटी में तो ऐसा था कि हमारा जो पब्लिक पार्क था जिसमें हम आ, हमारा पूरा जैसे दस पंद्रह साल से हम लोग खेल रहे थे वो तो ऐसा था कि मतलब सुबह बुढ़े लोग चक्कर मार रहे हैं दोपहर को और शाम को हम लोग बच्चे लोग खेल रहे हैं शाम को कॉलेज वाले लॉन्डे आते हैं हमको बुली करते हैं हरास करते हैं और भगा देते हैं वो लोग खेलते हैं फिर रात को अपने टिपिकल नशेड़ी लोग पोकर खेलने वाले ये बहुत ही ऐसा ट्वेंटी फोर सेवन कॉस्मोपोलिटन फ्री पार्क एक्सपीरियंस था मेरे लाइफ में बट इतना होने के बाद भी 10-15 साल में कोई ऐसा सिग्निफिकेंट इंसिडेंट हुआ नहीं वहाँ पे और आज तक भी नहीं हुआ बट बैंगलोर में चीज़ें अलग चलती है ये मैं आई फाउंड दिस आउट द हार्ड वे तो इट स्टार्ट्स लाइक दिस तो पहले दिन ऑफिस से हम ऑफिस हम लोग ऑफिस गए वापस आए तो गर्लफ्रेंड का टेक्स्ट आता है कि चल वॉक पे चलते हैं बैंगलोर एक्सप्लोर करते हैं तो अब बजे थे कुछ आठ या नौ के बीच में बजे होंगे तो मेरे माइंड में ऐसा कोई इनहिबिशन नहीं था कि कुछ उल्टा सीधा हो सकता है ठीक है आठ नौ बजे चलते हैं बैंगलोर एक्सप्लोर करते हैं तो मैंने निकाला गूगल मैप गूगल मैप पर डाला मेरे पी से उसके पी तक का नेविगेशन चालू किया और मैं देख रहा हूँ बीच में देर इज़ दिस पार्क विच हैज़ अ लेक इन द मिडल और लेक के अराउंड एक ऐसा जॉगिंग ट्रैक है और उसके ऐसे सेमी सर्कल करके आगे जा रहा है मतलब कि एक अपेरेंटली एक एंट्रेंस से अंदर जा रहा है और दूसरे एंट्रेंस से बाहर जा रहा है तो ठीक है मेरे को लगा बढ़िया है पार्क में चल लेंगे लेक भी है तो सही है तो अब मैं जा रहा हूँ गूगल मैप को फॉलो करते करते एंड आई एम सींग की गलियाँ धीरे धीरे छोटी और छोटी और छोटी होती जा रही है रास्ता मतलब पहले इतना था मतलब प्रपोर्शनली देख लो रास्ता पहले इतना था वैसे धीरे धीरे कम छोटा और छोटा हो रहा है और एक पॉइंट पे रास्ता ही ख़त्म होता है सो नाउ आई एम इन दिस शेडी इन कम्प्लीट डार्कनेस लाइक दिस शेडी अनपेव्ड रोड और साइड में उससे भी ज़्यादा शेडी एक ऐसा टपरी है जिसमें पांच लोग स्मोक वगैरह कर रहे हैं और मतलब सिचुएशन ऐसा था कि इवन इफ इट वॉज ओनली समाइम आफ्टर एट ऐसा लग रहा था कि कुछ भी हो सकता है बट फिर भी गूगल मैप मैं ऐसा आदमी हूँ कि मैं इतना अलग लेवल का इंट्रोवर्ट हूँ कि किसी को पूछ पूछने से ज़्यादा मैं गूगल मैप ही फॉलो करूँगा चाहे भले ही हो मुझे किधर भी लेके जाए तो अजीब तो लग रहा था फिर भी आई केप गोइंग नाउ आई कम टू दिस क्रैक इन द वॉल मतलब लिटरली क्रैक ही था वो तो जैसे मैंने कहा कि बीच में लेक था उसके अराउंड एक जॉगिंग ट्रैक था जॉगिंग ट्रैक के अराउंड एक, एक जंगल ठीक है मतलब काफ़ी घना जंगल और जंगल के अराउंड वो वॉल थी जिसमें एक सेक्शन ऐसा टूटा हुआ है और लोग वो यूज़ भी कर रहे हैं अंदर बाहर जाने के लिए वो मैंने नेक्स्ट सुबह फाइंड आउट किया कि लोग वो एक्चुअली यूज़ कर रहे हैं पर तब रात में तो ऑब्वियसली कोई नहीं था और फिर भी गूगल मैप मुझे बोल रहा है जाओ सब ठीक है सब ठीक है जाओ आ गया और जाओ तो फिर मुझे लगा ठीक है जाते हैं क्या आप कैन गो राउंड राइट पार्क ही तो है तो फिर मैं अंदर गया और अंदर ऐसा सीन था मून लाइट इज शाइनिंग ऑन द लेक एंड दैट इज़ द ओनली सोर्स ऑफ लाइट इन दैट एंटायर एरिया मतलब स्ट्रीट लाइट नहीं है आजू बाजू पूरा जंगल है इस साइड लेक है और इतना अंधेरा है कि सामने एक दो स्टेप्स के आगे कुछ नहीं दिख रहा है फिर भी मैं जा रहा हूँ जैसे तैसे ऐसे वो सेमी सर्कल का क्वार्टर सर्कल क्रॉस कर लिया था मैंने तो सडनली मेरे राइट साइड पर माई पेरीफेरल विजन बिगेन टेलिंग मी की समथिंग इज मूविंग इन द जंगल टू माई राइट बहुत फट गई देन हिम्मत करके मैंने उस तरफ देखा तो देर इज दुमन सिटिंग ऑन अ बेंच और वो बेंच ऐसे पूरा फॉरेस्ट के अंदर है फॉर सम रीजन एर इज दिस वुमेन सिटिंग ऑन अ बेंच और वो ऐसे ब्लैंकली स्पेस में स्टेयर कर रही मतलब अगर इफ शी वॉज नॉट इफ शी वॉज नॉट इन दैट स्टेट शी वु हैव सीन की मैं आ रहा हूँ मतलब कुछ रिस्पॉन्स देता है नो रिस्पॉन्स no कोई रिस्पॉन्स नहीं नो वर्ड्स नो रिस्पॉन्स जस्ट ऐसे ब्लैंकली शी स्टेयरिंग इन टू स्पेस ऐसे और अंधेरा जंगल कुछ नहीं मेरी बहुत ज़्यादा फट गई बट दिस वॉज सस्पिशस येस डेंजरस नॉट येट तो फिर भी मैं थोड़ा हिम्मत करके आगे जाता रहा और और ये करते हुए ना मेरी गर्लफ्रेंड के टेक्स्ट आ रहे हैं कि भाई तू कहाँ है कितना टाइम क्यों लगा रहा है क्या हो रहा है उसको अपडेट देते हुए जा रहा हूँ मैं कि ठीक है आ रहा हूँ आ रहा हूँ कोई बात नहीं थोड़ा वियर्ड है बट आ रहा हूँ फिर मुझे दिखता है सामने वो जो पार्क का वो जो डोर होता है मतलब पार्क के डोर कैसे होता है सर एक बड़ा डबल गेट होता है और उसके बाजू में ऐसा एक छोटा गेट होता है ना जिस जो एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम खुला रहता है डबल गेट बंद भी हो तो भी वो छोटा गेट खुला रहता है ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन था बट जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे दिखा कि छोटा गेट भी लॉक्ड है और बड़ा गेट तो लॉक्ड है ही अब मैं वहाँ पर खड़ा हुआ

ऐसे मेरे को घूर रहा है अगेन नो एक्सप्रेशन नो रिस्पॉन्स नो वर्ड्स बस ऐसे घूरे जा रहे हैं मुझे एंड ही इज क्लियरली वेरी पिस्ट ऑफ तो मुझे तो लगा भाई अब कुछ कुछ तो होगा मेरे साथ कुछ किडनेप करेगा कुछ करेगा पता नहीं क्या करेगा ठीक है तो और एंड देन ही स्टार्ट स्लो मोशन में से मेरी तरफ आ रहा है ऐसे एंड ही लुक्स एक्सट्रीमली पिस्ट ऑफ और कुछ भी बात नहीं कर रहा है बस आई कॉन्टेक्ट मेंटेन करके ऐसे आ रहा है मेरे पास आ रहा है मेरी बहुत ज़्यादा फट गई बट मैं फ्रीज हो गया लेकिन बिकॉज भागता भी तो कहाँ भागता जगह ही नहीं थी वो तो ही कम्स क्लोज और ऐसे नॉन वर्बली मेरे पास आके ऐसे पूछता है कि कि यहाँ क्या कर रहे हो ऐसे नॉन वर्बली ऐसे मुँह इलाके मे मैं मेरे मुंह से कुछ शब्द नहीं निकल रहे आई एम जस्ट लाइक फ्रोजन एट दैट स्पॉट मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ कैसे तो भी मैंने उसको नॉन वर्बली ही समझाया कि गेट बंद है ऐसे जाना है करके वेन ही अंडरस्टूड कि मुझे क्रॉस करके जाना है ही गॉट इवन मोर पिस्ट ऑफ अगेन नॉन वर्बली बाय द वे कुछ भी देर इज आर नो वर्ड्स भी एक्सचेंज रेड जस्ट ऐसे नॉन वर्बली कॉन्वर्सेशन चल रहा है रैंडम तो ही ही तोन विस्ट ऑफ कि यार तुम ऐसे इतनी रात में कैसे जा रहे हो फिर से ज्यादा रात हुई नहीं पास एट तो फिर भी वो बहुत अफेंड बहुत हो गया मेरे को लग रहा है डर देन ही ये थिंक्स फॉर अ मोमेंट एंड देन ऐसे मेरे और पास आके ऐसे करता है अगेन नो वर्ड्स ठीक है मेरी बहुत वट रही है डिसअपियर्स अगेन इंटू द जंगल पता नहीं क्या हो रहा है और वो और वो काफ़ी टाइम से डिसअपियर होता है ठीक है मतलब मैं यहाँ पे रुके जा रहा हूँ ऐसे अब माई गर्ल फ्रेंड डजेंट नो वॉट इज गोइंग ऑन तो वो ऐसे इम्पेश सार्केस्टिक हो रही है कि येस यू कैन डू इट कम ऑन यू कैन डू इट और यहाँ पे अलग सिचुएशन जैसे ही मेरा पेशेंस एकदम ऑलमोस्ट ज़ीरो पे पहुंचा कि भाई अभी दुम दबा के भागना है ऑपोजिट डायरेक्शन में वैसे ही केम बैक अगेन साइलेंटली ताला लिया पॉकेट से चाबी निकाला वो छोटा सा दरवाज़ा उसने खोल दिया और ऐसे बहुत ऐसे रफली ऐसे अगेन इन जेस्टर्स ही सेड ऐसे जेस्टर के उसने बोला जा निकल एज इफ़ टू पवर अप की पार्क में रात में कोई एक्टिविटी हो रहा है ही डेंट वॉन्ट एनी वन हेल्स टू रियलाइज फिर मैं बोला ठीक है बच गए क्रॉस कर लिया वॉक तो कुछ हुआ नहीं हमारा उसके बाद हम लोग बस मेरा गर्लफ्रेंड कुछ बस कुछ खा के मैं रिक्शा से वापस गया मैं वापस क्रॉस करना नहीं है वो रिक्शा वाले ने तो मेरा बढ़िया से लूट ही लिया मुझे बट मॉरल ऑफ द स्टोरी इज अगर गांड और वॉलेट में किसी एक का फटना गारंटीड हो तो हमेशा वॉलेट चूज़ करना चाहिए थैंक यू